आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है सवाल कह रहा है हमें दिए गए कौन से एनिमल के अंदर देखने को मिलता है बात करता हूँ सबसे पहले वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में कि आखिरकार वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता क्या है तो जो हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ये हमारा करेक्टरिस्टिक होता है किसका इकाइनोडर्म्स का तो जितने भी जो हमारे इकाइनोडर्म्स होते हैं उनका एक करेक्टर होता है हमारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता क्या है वाटर सिस्टम जो होता है वो हमारे लोकोमोशन में करता है मदद हाँ जी जो, जो लोकोमोशन होती है वो होती है हमारी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता क्या है इसके अंदर जो वाटर होता है उसको हम अंदर जो हमारा ऑर्गेनिजम्स है इकानोडम्स के वो वाटर को लेते हैं अंदर और एक स्ट्रक्चर होता है इनका जिनको बोलते हैं हम ट्यूब फीट तो जो हमारा वाटर होता है कुछ ट्यूब फीट इस तरह का होता है ऐसे करके

होता क्या है हमारा जो हाइड्रा है वो धीरे धीरे करने लग जाता है, bend, और अपने के थ्रू करता है और ये हमारी बैंडिंग की तरीके से या फिर समर सोल्ट करते हुए चलता है हमारा समर सोल्ट करते हुए चलता है हमारा ये हाइड्रा तो ये तो हमने मूवमेंट देखी हमारे हाइड्रा की जो मदद करते हैं टेंटिकल्स उसके सब्सिट्स के साथ अटैच करने में बात करूं यहाँ पे ऑप्शन सी के बारे में जो कह रहा है कटल फिश तो ये जो कटल फिश होती है जनरली इसके दो तरीके होते हैं एक तो ये मूव करती है जो इसके साइड में फिंस लोकेटेड होते हैं उनसे पानी के अंदर उनके उससे चलती है ये फिंस फिंस की मदद से और बात करूं अगर कटल फिश के बारे में दूसरे में तो ये हमारी एक मोलस्क होती है तो इसके अंदर एक मेंटल कैविटी हमें देखने को मिलती है जो मेंटल कैविटी होती है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है इनकी और ये जो मेंटल कैविटी होती है इसके अंदर हम पानी को भी ये लेने में होते हैं सक्षम जिससे अपने खाने को भी कंज्यूम करते हैं

तो जो जेलीफिश होती है उसका जो प्राइमरी लोकोमोशन का जो तरीका होता है वो था जेट प्रोपल्शन यानी कि जो पानी होता है वो पहले उसके अंदर आ, अंदर लिया था लिया जाता है जेलीफिश के द्वारा और फिर वो उसको एक काफी ज्यादा तेज प्रेशर से उसको रिलीज करती है उसके साइफोन से तो जो पानी होता है वो नीचे की तरफ जाता है उसको एक प्रोपल्शन देता है यानी कि एक देता है थ्रस्ट यानी कि नीचे से एक धक्का मिलता है हमारी जेलीफिश को जिससे वो ऊपर की तरफ मूव करती है ये तो हमारी बात, हो की फिश, बात करना चाहूंगा तो है, होते हैं हमारे ट्यूब फीट तो जो हमारी स्टाफिश होती है उसके वेंटल सर्फिस में हमें काफी मात्रा में ट्यूब फीट देखने को मिलते है ये ट्यूब फीट जो है वो अपने पानी को बाहर की तरफ छोड़ते हैं जिससे उसको मिलता है थर्स यानी कि एक मिलता है धक्का और इस धक्के की वजह से ही हमारी जो स्टाफिश है वो मूव करती है हमारे पानी के अंदर तो ये होता है हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो देख लिया जाए तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है दैट इज ए पार्ट स्टारफिश हो जाता है बिल्कुल सही दिए गए सवाल के लिए थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर